मतलब एक किडनी बेच करके हमको हायर रिफ्रेश रेट क्यों नहीं मिल सकता भाई, दोनों किडनी बेचने की क्या जरूरत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के बारे में। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था भाई कि आईफोन 13 के बारे में कुछ जानकारी दो, तो आज की वीडियो में आपको आईफोन 13 के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। आईफोन 13 से रिलेटेड बहुत ही तगड़ी लीक आज निकल के आई है। एक बहुत ही ट्रस्टेड लीकस्टर है जिनकी तरफ से आईफोन 13 सीरीज के सारे मॉडल्स की सारी की स्पेसिफिकेशन रिवील कर दी गई है, इवन प्राइस पॉइंट भी रिवील कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 सीरीज से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, चारों मॉडल के बारे में बात करेंगे भाई, चार मॉडल इस सीरीज में आपको मिलेंगे, चारों मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है और सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आईफोन 13 सीरीज में भी आईफोन 12 सीरीज की तरह आपको चार मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे। आईफोन 13 मिनी रहेगा, आईफोन 13 रहेगा, आईफोन 13 प्रो रहेगा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स रहेगा। चार मॉडल्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको ऑलमोस्ट वैसी ही मिलने वाली है जैसी आईफोन 12 सीरीज में आपको मिली थी, वही बिल्ड क्वालिटी रहेगी एंड डिजाइन पैटर्न भी आपको वैसा का वैसा देखने के लिए मिलता है। इवन फ्रंट में इस बार भी आपको नॉच देखने के लिए मिलेगी, और जो कैमरा लेआउट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है, बाकी फोन दिखने में एकदम आइडेंटिकल है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन तो भाई आपको एग्जैक्टली वैसी मिलने वाली है जैसा आपको आईफोन 12 के अंदर मिला था। डिस्प्ले की अगर बात करें तो आईफोन 13 मिनी में आपको 5.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, आईफोन 13 के अंदर आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, आईफोन 13 प्रो के अंदर भी आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। चारों फोन के अंदर आपको OLED पैनल मिलेगा, और आपको पता है भाई आईफोन के डिस्प्ले कितने तगड़े होते हैं, तो बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद में रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो जो लोग ये सोच रहे थे कि आईफोन 13 सीरीज में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, वो थोड़े बहुत सही भी हैं, थोड़े बहुत गलत है भाई, क्योंकि आईफोन 13 मिनी जो है वहां पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 13 में भी आपको 60 हर्ट्ज मिलेगा, लेकिन 13 प्रो में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है एंड ऑब्वियसली 13 प्रो मैक्स में भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। तो भाई जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, हायर रिफ्रेश रेट है, वो आपको केवल टॉप टू मॉडल्स में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 12 मिनी और 12 में आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब एक किडनी बेच करके हमको हायर रिफ्रेश रेट क्यों नहीं मिल सकता भाई, दोनों किडनी बेचने की क्या जरूरत है, कितने पड़ोसियों की किडनी निकालेंगे भाई आईफोन 13 खरीदने के लिए। तो यहां पर आपको भाई नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलने वाला है बेसिक मॉडल्स में, इन टॉप मॉडल्स में आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करें तो भाई चारों फोन के अंदर आपको ट्रेडिशनल एप्पल वाली नॉच देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी थोड़ी छोटी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वही नॉच वाले डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो चारों फोन में आपको एप्पल का लेटेस्ट A15 चिपसेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर ही रहेगा। यहां पर 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर वाले चिपसेट अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, A15 जो है वो 5 नैनोमीटर पर आने वाला है, और परफॉर्मेंस आपको पता है भाई टॉप क्लास टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, परफॉर्मेंस में तो आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो अब भाई कैमरा के मेगापिक्सल्स तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन आईफोन 13 मिनी में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, आईफोन 13 के अंदर भी आपको डुअल कैमरा मिलने वाला है, आईफोन 13 प्रो में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और प्रो मैक्स में भी ऑब्वियसली आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। यहां पर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन चारों कैमरास के साथ में मिल जाएगा, और एप्पल के कैमरास आपको पता है भाई चाहे वो 12 मिनी का कैमरा हो या 12 प्रो मैक्स का कैमरा हो, धमाकेदार आउटपुट आए थे एंड सेम गोज विद 13 सीरीज, चाहे आप 13 मिनी का कैमरा ले लो या 13 प्रो मैक्स का कैमरा ले लो, धमाकेदार कैमरा आउटपुट निकल के आने वाले हैं। स्पेशली जो वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल रहती है, तो यहां पर आपको कैमरा में तो कतई शिकायत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो भाई आईफोन की बैटरी के बारे में भी जानकारी निकल के आ चुकी है। आईफोन 13 मिनी के अंदर आपको 2406 एमएएच की बैटरी मिल सकती है, आईफोन 13 में आपको 3095 एमएएच की बैटरी मिल सकती है,
आईफोन 13 प्रो में भी आपको 3095 mAh की बैटरी मिल सकती है एंड जो टॉप मॉडल है 13 प्रो मैक्स वहां पर आपको 4352 mAh की बैटरी मिल सकती है। तो भाई एप्पल के फोन में बैटरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है, ये काफी सरप्राइजिंग चीज है। इसके बाद में अगर बात करें वेरिएंट्स की तो भाई जो आईफोन 12 आईफोन 13 मिनी जो रहेगा वो भाई आपको अप टू 256 GB वाले वेरिएंट में मिलेगा, 128 एंड 256 दो वेरिएंट में मिल सकता है। 13 भी रहेगा अप टू 256। जो 13 प्रो है वहां पर आपको 512 GB तक की स्टोरेज मिलेगी एंड 13 प्रो मैक्स में भी आपको 512 GB तक की स्टोरेज देखने के लिए मिलने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए भाई स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, ऑब्वियसली आईफोन के स्पेसिफिकेशन से भाई अपन मुंह नहीं चला सकते हैं, ज्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरे को ये हुआ भाई कि आईफोन 13 मिनी और 13 में भी हायर रिफ्रेश रेट दे दिया जाता तो और ही मजे की बात हो जाती भाई, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं थोड़ा बहुत दम मारने के बाद थोड़ा बहुत पुश करने के बाद अपने बजट को शायद कभी सोच सकते हैं कि आईफोन 12 मिनी या आईफोन 13 मिनी परचेस कर लें। लेकिन अब अगर आईफोन 13 मिनी में हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है तो आई एम नॉट दैट मच एक्साइटेड फॉर दैट फोन। लेकिन इस बार ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि यार आईफोन यूज करूंगा मैं और आईफोन 13 मिनी परचेस करूंगा अगर हायर रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, लेकिन शायद मेरे प्लान्स अगले साल पर पोस्टपोन होने वाले हैं। हालांकि प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो प्राइस पॉइंट्स भी लीक हुए हैं भाई। आईफोन 13 मिनी का जो प्राइस बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है $699 से स्टार्टिंग, बेस वेरिएंट $699 रहेगा। आईफोन 13 जो है वो बेस वेरिएंट रहेगा आपको $799 का। 13 प्रो का जो बेस वेरिएंट रहेगा वो रहेगा $999 का एंड 13 प्रो मैक्स जो रहेगा वो रहेगा $1099 के आसपास। अब ये प्राइस यूएसए का प्राइस है, इंडिया में जब लॉन्च होता है तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ जाता है, उसमें आप जीएसटी जोड़ लो, उसमें आप कस्टम जोड़ लो, बहुत सारा माल मसाला लगता है भाई, प्राइस बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए कि एप्पल के हिसाब से $1 बराबर ₹100 जोड़ लेना चाहिए और उस हिसाब से आप प्राइस गेस कर सकते हो। तो यहां पर आईफोन 13 मिनी आपको इंडिया में मिल सकता है 70,000 के आसपास, 13 मिल सकता है 80,000 के आसपास, 13 प्रो रहेगा लगभग 99,000 1,00,000 के आसपास और 13 प्रो मैक्स आपको मिल सकता है बेस वेरिएंट 1,10,000 के आसपास। कमेंट करके बताओ अपनी राय भाई कि आपके पड़ोसियों की कितनी किडनियां आपको बेचनी पड़ेगी ये फोन्स खरीदने के लिए। हालांकि फोन्स बहुत तगड़े होते हैं लेकिन महंगे बहुत होते हैं भाई, और ये फोन सस्ते किए जा सकते हैं अगर इनका प्रोडक्शन इंडिया में हो, जैसा आईफोन XR का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो उसका प्राइस कम हो गया भाई। लेकिन ये वाले जो स्मार्टफोन्स हैं अभी इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होगा इनका, इस कारण से इनका प्राइस आपको हाईफाई देखने के लिए मिल सकता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना भाई इन फोन्स के बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एप्पल के साथ में, कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।